इंडिया को मिला 189 रन का टारगेट। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ओडीआई हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। ईशान किशन और शुभमन गिल बतौर ओपनर भारत के लिए, और ईशान किशन दूसरे ओवर में ही आउट हुए। 24 की गेंद पर LPW के जोरदार अपील रिव्यू लिया पर आउट ही रहे। ईशान किशन आउट हुए सिर्फ 3 रन बनाकर। उसके बाद क्रीज पर आए विराट कोहली। विराट कोहली ने एक बढ़िया ड्राइव दिखाया, बढ़िया शॉट जो कि स्ट्रेट ड्राइव, और विराट कोहली ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। मिचेल स्टार्क की इस गेंद पर LPW आउट हो गए विराट कोहली। विराट कोहली 4 रन बनाकर आउट हुए, मिचेल स्टार्क का शिकार बने। उसके अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव गोल्डन डक पर आउट हुए। सूर्य कुमार यादव पहली बॉल पर आउट हुए, मिचेल स्टार्क का शिकार बने। ऑस्ट्रेलिया का अच्छा रिव्यू और LPW आउट हुए सूर्य कुमार यादव, और बाद 16 रन पर 3 विकेट गवा चुका था और ट्रेवल में नजर आ रहा था। शुभमन गिल और KL राहुल क्रीज पर 3 विकेट खोने के बाद शुभमन गिल ने एक चौका लगाया। KL राहुल ने अपना खाता चौके के साथ खोला, एक लाजवाब शॉट, बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंट शॉट KL राहुल का दिखा। उसके बाद KL राहुल और शुभमन गिल के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई। शुभमन गिल काफ़ी लकी थे कल, और काफ़ी चांस भी मिल रहे थे शुभमन गिल को। KL राहुल काफ़ी अच्छे टच में लगे और KL राहुल ने 2-3 बाउंड्री लगाई बढ़िया। इस छोटी सी पार्टनरशिप को फिर से मिचेल स्टार्क ने तोड़ा। मिचेल स्टार्क काफ़ी बढ़िया टच में लगे और शुभमन गिल को भी आउट किया। 20 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हुए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या। बाद 4 विकेट हो चुका था और हार्दिक पांड्या और KL राहुल क्रीज पर। हार्दिक पांड्या ने आते ही अपने शॉट्स खेलना शुरू कर दिया और KL राहुल दूसरे शॉट पर काफ़ी धैर्य के साथ खेल रहे थे, बढ़िया बढ़िया शॉट्स भी लगा रहे थे और काफ़ी सॉलिड डिफेंस भी दिखा रहे थे। KL राहुल और हार्दिक पांड्या के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई और टीम इंडिया की मैच में वापसी करवाई। KL राहुल और हार्दिक पांड्या ने अच्छे अच्छे शॉट्स खेले और टीम इंडिया के वापसी हुई मैच में और काफ़ी रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने एक छक्का लगाया और KL राहुल भी बढ़िया खेल रहे थे दूसरे छोर पर। दोनों धैर्य के साथ खेल रहे थे, बढ़िया बढ़िया शॉट्स लगा रहे थे, पर मार्कस टोइनिस ने स्ट्राइक किया। मार्कस टोइनिस ने बाउंसर गेंद डाली और हार्दिक पांड्या ने पुल मार बैठे सीधा कैमरन ग्रीन के हाथ में। हार्दिक पांड्या भी आउट हुए। बाद का 5वां विकेट गिरा। हार्दिक पांड्या 25 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा और KL राहुल के बीच एक बहुत ही शानदार साझेदारी हुई। दोनों के बीच एक बहुत बढ़िया साझेदारी हुई और मैच विनिंग साझेदारी हुई दोनों के बीच, और दोनों ही नॉट आउट रहे अंत में। बहुत ही लाजवाब साझेदारी ये देखिए, KL राहुल और रविंद्र जडेजा की बहुत बढ़िया साझेदारी रही। दोनों ने बढ़िया बढ़िया शॉट्स भी खेले और धैर्य के साथ बैटिंग की। रविंद्र जडेजा और KL राहुल दोनों ने सिचुएशन को परखा और उसके हिसाब से बैटिंग की, और दोनों ने बढ़िया बैटिंग की, शॉट्स भी लगाए और काफ़ी धैर्य और संयम के साथ बैटिंग की और मैच इंडिया के नाम कर दिया। KL राहुल की बहुत ही शानदार पारी रही है, बहुत ही धैर्य और टेम्परामेंट भरी पारी। KL राहुल के भी बीच बीच में शॉट्स भी लगाए, काफ़ी बढ़िया स्ट्राइक रोटेशन भी किया। रविंद्र जडेजा भी काफ़ी बढ़िया खेले और काफ़ी बढ़िया बढ़िया शॉट्स लगाए। KL राहुल की रविंद्र जडेजा के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप हुई और ये मैच इंडिया ने जीत लिया। 1 रन के साथ KL राहुल की 50 पूरी हुई। एक मैच डिफाइनिंग मैच के KL राहुल की 50 पूरी हुई। बहुत ही बढ़िया इनिंग, 73 ओवर में 50 रन पूरे हुए और सभी खिलाड़ी प्रशंसा करते हुए विराट कोहली अपलोड करते हुए KL राहुल के लिए सभी खड़े होकर इस्तेमाल करते हुए बहुत ही काम कंपोज इनिंग रही है KL राहुल की, और बहुत बढ़िया इनिंग जो कि मैच विनिंग इनिंग रही। KL राहुल ने 50 के बाद बढ़िया बढ़िया शॉट लगाए, 2 चौके लगातार, और उसके बाद एक बहुत ही लंबा हिट छक्का भी लगाया KL राहुल ने, और ये मैच इंडिया की झोली में डाल दिया, सुनिश्चित कर दी कि ये मैच इंडिया जीतेगा। KL राहुल और रविंद्र जडेजा के बीच एक अनबीटन 108 रन की पार्टनरशिप हुई। KL राहुल ने नबाद 75 रन बनाए जो कि बहुत बढ़िया, और ये मैच इंडिया ने जीत लिया। ये थी इस मैच की हाईलाइट्स। इंडिया 5 विकेट से मैच को जीत गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल पर मैच की हाईलाइट्स और अच्छी वीडियो मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।